नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ऑल इंडिया रैंक नंबर वन नीट के टॉपर तन्मय गुप्ता। और तन्मय गुप्ता जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि मेहनत जो है अगर की जाए दिल खोल कर तो कोई भी आप ये कहें कि अचीवमेंट जो है वो दूर नहीं होती है। और इस समय मेरे फ्रेम में वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने पाई है। सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि ये मोटिवेशन आपने कहाँ से लाया और किस प्रकार से ये इतना बड़ा, आप ये कहें कि एक रैंक आपने अचीव किया। कंपटीशन वाकई में टफ रहा होगा लेकिन सक्सेस आपने जो पाई है वो कैसे पाई? एक्चुअली सक्सेस के लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से काम करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करके रखेंगी। तो मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में पता था, मुझे पता है अगर मैं स्विमिंग करूँगा, अपने फ्रेंड से बात करूँगा, पेरेंट्स से बात करूँगा, फैमिली से बात करूँगा तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगा। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ाई के साथ साथ साइमल्टेनियसली करी एंड आई थिंक उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मेरा कहने का भाव ये था कि जिस प्रकार बहुत से स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, और मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की है, वो कहते हैं हम 15 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट वो नहीं ला पाते हैं। तो आपकी पढ़ने की टेक्निक क्या थी, किस प्रकार से अपने स्टडीज को कंटिन्यू किया कि वाकई में आपने मतलब रिकॉर्ड बनाया? एक्चुअली 15 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, इसमें हमको ये नहीं पता चलता हमारी एफिशिएंसी कितने घंटों में बाहर आई। तो हो सकता है आपने 15 घंटे पढ़ा, शायद आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 5-6 घंटे की थी, तो क्यों ना वही 5-6 घंटे पढ़ो और वो पूरी एफिशिएंसी से पढ़ो। तो मेरे हिसाब से पूरी एफिशिएंसी है तभी पढ़ सकते हैं जब आपका माइंड फ्रेश हो, एंड माइंड फ्रेश करने के लिए आपको अपनी हॉबीज़ परस्यू करना ज़रूरी है। आपको स्ट्रेस बस्टर्स आपके लिए जो भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गेम हो सकती है, किसी से भी बात करना हो सकता है, तो स्ट्रेस बस्टर्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट करो एंड एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी आपके, आपको लगेगा आपको स्टडी आज आप कम भी कर सकते हो एंड बाकी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितने घंटे स्टडी करते थे ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये समझ पाएं कि एक लंबा स्टडी स्केड्यूल जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि जो इन्होंने बनाया वो इफेक्टिव रहता है? एक्चुअली आज स्पेसिफाइड नहीं थे, काम स्पेसिफाइड था कि आज सुबह मैंने डिसाइड कर लिया इतना पढ़ना है, या फिर अगर स्कूल में इतना हुआ तो मैंने इतना कम्प्लीट करना है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊँ तो एवरेज में स्कूल आज जब स्कूल होते थे तब 4 to 5 hours के आसपास, एंड जब स्कूल नहीं होते थे तब 8 hours के आसपास पढ़ता था। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स कितनी ज़रूरी हैं स्टडीज़ के साथ साथ ताकि एक अच्छा रिजल्ट आप ही की तरह लाया जाए, वो भी ज़रा? स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स हो, मैं स्विमिंग करता था, किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, तो जो भी स्पोर्ट है वो स्पोर्ट एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है मेरे ख्याल से, जो आपको बिल्कुल काम कर देगा। फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो बिल्कुल ही आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, और जब स्ट्रेस कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आपको लगता है वो ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए आपकी फैमिली के बारे में, मैंने स्टडी की है और आपके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो कितना सपोर्ट रहा आपको अपनी फैमिली का और किस प्रकार उन्होंने भी आपको मोटिवेट किया ताकि इस प्रकार का जो रिज़ल्ट है वो आए? सपोर्ट तो बहुत था, मेहनत जब ऐसा रिजल्ट आता है तो मेरे ख्याल से मेहनत एक बंदे की नहीं होती है, पूरे सपोर्ट जो पीछे है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सारों की होती है। तो उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता था, एंड फुल सपोर्ट था जब भी जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने मेडिसिन में जाना, तो उनका फुल सपोर्ट था हमेशा। किसका सपोर्ट ज़्यादा था, मम्मी का या पापा का? दोनों का थी, दोनों का बराबर था। अच्छा ये बताइए आपकी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से है, सिंस मैंने थोड़ा सा और भी स्टडी किया, बहुत से आपके रिलेटिव जो हैं वो अच्छी पोजीशंस पर हैं, आपने भी मेडिकल लाइन ही चुनी है आगे, क्या लगता है आपको कि आपके लिए एक इजी गो था या फिर मतलब फैमिली का इंटरेस्ट है ये? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मेडिसिन परस्यू करनी थी, एंड ऑफकोर्स बैक ऑफ द माइंड में फैमिली भी है, तो वो एक आपके लिए रोल मॉडल्स टाइप बनते हैं जिसको आप फॉलो करते हो। जो हमारे व्यूवर्स हैं, विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं और जो आप ही की तरह आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मंत्र क्या होगा? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो जितनी कर सकते हो उतना करो, कंसिस्टेंटली करो, डेडिकेशन से करो, रेगुलरली करो, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब वो एक बर्डन जो हम डालते हैं अपने स्ट्रेस पर कि किसी ने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने का स्केड्यूल बनाया है, हम 8 घंटे बनाएंगे, तो वो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग है?
घंटे मत कंपेयर करो, किसी की एफिशिएंसी हो सकता है 10 घंटे वो पढ़ सकता हो, अगर आप नहीं पढ़ सकते आपको पता होना चाहिए। मैं भी सुनता था अपने टाइम में कि 14 15 घंटे पढ़ते हैं, मैंने तो ये भी वीडियोस देखी हुई हैं कि हमने पूरे दिन में 100 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए, तो अच्छा मुझे पता था मेरी एफिशिएंसी उसके आसपास भी नहीं है, तो जितनी मेरी एफिशिएंसी थी उतने में मैं काम करता था, किसी की मेरे से ज़्यादा हो सकती है किसी की मेरे से कम हो सकती है, तो अपने आज सेट कर लो जितने आपसे हो रही है पढ़ाई उतना पढ़ो तो एफिशिएंसी आएगी। अच्छा मुझे ये बताइए, COVID-19 का भी दौर आया और 2 साल काफ़ी टफ हर किसी के निकले हैं। एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल डिप्रेशन भी था, बहुत सी स्टडीज़ जो थी वो हैम्पर हुई, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगी। इस सब के बावजूद आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मेंटेन की और किन किन आप फैक्टर्स ने जो है वो आपको सपोर्ट किया इस खूबसूरत और ज़बरदस्त रिकॉर्ड रिजल्ट को हासिल करने हाँ, जब कोविड का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था एंड सारी क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी थी, तो में? स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रेस होता है क्योंकि 10 10 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम हो गया था, पहले कुछ भी नहीं होता था, अब 10 आवर्स बैठते थे हम लैपटॉप के सामने, तो कुछ टाइम के बाद मेरे ख्याल से अडेप्टेशन हो जाती है आपको उस शेड्यूल में। बाकी सपोर्ट्स टीचर्स का हो, कोई भी डाउट्स हो तो हम टीचर्स से ऑनलाइन पूछ लेते थे तो अच्छा वो भी क्लियर होते जाते थे। अपना जो स्टडी पैटर्न आपने बना लिया है उसको फॉलो करते रहो पूरे टाइम में, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को इतना इन्फ्लुएंस मत होने दो आपकी पढ़ाई के ऊपर। मतलब आपने ओवरऑल चीजों को मैनेज किया और ऑनलाइन स्टडीज ने भी आपको सपोर्ट की इस पूरे रिजल्ट में। हाँ, जो ऑनलाइन स्टडीज़ पैंडमिक के एकदम बाद शुरू हो गई थी उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जैसे ही ऑनलाइन का टाइम आया तो सारे स्कूल भी इंस्टीट्यूट्स भी सारे शिफ्ट हो गए ऑनलाइन पे, तो उससे काफ़ी मदद हुई, काफ़ी ईजी हो गया उससे। फ्यूचर के प्लान क्या है आपके? हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या करेंगे, किस प्रकार से। आगे MBBS करने का सोचा है मैंने एम्स दिल्ली से, दैट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 5.5 ईयर्स, सो उसके बाद स्पेशलाइजेशन आई स्टिल हैव टू थिंक अबाउट इट। ये जो लैंडमार्क आपका सक्सेस है, इसे किसे डेडिकेट करते हैं टिल, मतलब आज की बात करूँ? डेडिकेट किसी एक बंदे को तो नहीं करेंगे, जो भी मुझे सपोर्ट करता था, फैमिलीज टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है एंड फ्रेंड्स का भी रोल है जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे थ्रू आउट। इसके अलावा आपने जो कोचिंग ली है वो आपने मतलब नेशनल लेवल पर कोचिंग ली है या लोकल लेवल पर ही आप कोचिंग करके जो है यहाँ तक पहुँचे? कहने का मतलब है आउट ऑफ स्टेट भी आपने कोचिंग ली है? एक्चुअली मैं हूँ जम्मू से, 10th तक जम्मू में पढ़ा हूँ, तो 11th में मैं दिल्ली गया था, तो कोचिंग मैंने दिल्ली से ली थी। कोचिंग दिल्ली चली थी आपने। तो इसके अलावा और आपका जो फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर आपका किस हिसाब से वहाँ पर तालमेल था, और क्या कभी फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप मतलब बैठकर आपने स्टडीज़ की हैं? मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि यूजुअली जब हम कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, तो आपका फ्रेंड सर्कल जो था वो कितना कंट्रीब्यूट किया है आपकी सक्सेस? एक्चुअली फ्रेंड्स जम्मू में भी थे, दिल्ली में भी थे, तो हमारी 12th में तो हमारी काफ़ी बात होती रहती थी फ़ोन पे, 11th में हम स्कूल में मिलते हैं, 12th में तो बाहर पढ़ने का आइडिया बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना क्योंकि पैंडमिक की वजह से, 11th में हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, बाहर तो सारे अपने अपने घर पे रहते तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और बड़ा ही स्पेसिफिक और बहुत ही क्लियर एक मैसेज है, एक समझने की बात है कि ओवरबर्डन होकर जो पढ़ाई हम लोग करते हैं उसका आउटकम उतना होता नहीं है। दरअसल चीज़ें जो हैं वो आप उस हिसाब से डिज़ाइन करिए, प्लान करिए कि जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतना ही पढ़ें, तभी आप बेटर रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। और परिवार भी इनका यहाँ पर मौजूद है, दादाजी इनके हैं, मदर इनकी हैं, मैं एक बार इनकी मदर से भी बात करना चाहूँगा। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एज अ मदर मैं ये चाहता हूँ कि आप बाकी मदर्स को बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो ग्रूमिंग की, और विशेषकर जब कोविड का एक बुरा दौर चला, तो किस हिसाब से आपने अपने बच्चे को जो है वो हैंडल किया ताकि ये रिजल्ट वाला। एक्चुअली हमारा बेटा यहाँ जम्मू में नहीं था, वो उस समय कोविड टाइम में अपने दिल्ली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था, तो जो भी वो जो 2 2.5 साल जो देखा है वो उन्होंने ही देखा है, वो एनवायरनमेंट सब कुछ, उसको टाइम देना वो उन्होंने ही किया। बाकी एज अ मदर मैं बाकी मदर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चों को ज़रूर दें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, चाहे दिन में आधा घंटा 1 घंटा, बट
अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, सो दैट कि वो आपके साथ बिल्कुल फ्री हो एंड दे टेल अपनी मन की हर बात वो आपको बता सकें। मतलब कहने का भाव ये है कि जो एक लेजर्स का टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग बेसिकली प्रोफेशनली बहुत डील करते हैं बच्चों के साथ, तो आपको लगता है कि एज अ फ्रेंड होना ज़रूरी है ताकि वो आगे सक्सेस ले सके। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ फ्रेंड ही वो आपको अपने मन की हर बात बताएगा, और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर बच्चा अंदर ही अंदर में भी उसके दिमाग में क्या है आपको कभी पता नहीं चल सकेगा। सो आई थिंक क्वालिटी टाइम और एज अ फ्रेंड इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए पेरेंट्स का एज अ फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं वो खुलकर बात सके। डॉक्टर अक्षय हैं मेरे साथ और आइए इनसे बात करते हैं, इनके फादर हैं। एज अ फादर सर कैसे आपने अपना रोल प्ले किया? रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन है, काबिले तारीफ़ है, मुबारकबाद है, लेकिन आपने अपना रोल कैसे प्ले किया? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल जो है वो बाकी पेरेंट्स भी समझे और इसी प्रकार जम्मू का हर बच्चा समझे। सर अगर मैं इसके नीट के रिजल्ट्स के रोल की बात करूँ तो सक्सेस का मुझे लगता है 80% जाता है तन्मय को, बाकी 20-30% जाता है इसकी मदर को। हाँ कुछ डिसीजन मेकिंग्स मैंने की थी मैंने, जो शायद इसके लिए भी हेल्पफुल रही और सबके लिए सक्सेसफुल रही, कि 10th के बाद इसको बाहर भेजना, दैट वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि बीइंग ए ओनली चाइल्ड इसको बाहर भेजना बड़ा मुश्किल था, इसकी मदर के लिए भी मुश्किल था डिसीजन लेना, इसके लिए भी था। तो बट सिंस ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम द बिगनिंग, तो वी वॉन्टेड कि ही कैन परस्यू मेडिसिन इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। तो अब जम्मू रह के इसको तो ऑल इंडिया कोटा मिलता नहीं है, तो दैट्स वाई ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कि मैं डेली जाके पढ़ूँ, वो ज़्यादा अच्छी मुझे वो ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ज़्यादा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिले, तो दैट वॉज अ डिसीजन टेकन जिसका आज फ्रूट मिला है हम सबको। तो आप भी एज अ फ्रेंड ही अपने बच्चे के साथ रहते हैं या थोड़ा सा टफ हैं बाकी डैड के? मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हूँ, मदर से भी ज़्यादा फ्रेंडली हूँ मैं। मदर फिर भी कभी कभी वो भी टफ डिसीजन लेते हैं, बट मेरे साथ तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रेंडली था ये, मतलब दोस्ती इसकी अपने घर में अच्छी थी। जी 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 चलिए शुक्रिया। जम्मू के इस युवक ने, इस बच्चे ने, हालांकि ये दिल्ली में था और जिस वक्त ये रिजल्ट आया हम लोग पहले यही सोच रहे थे कि शायद बाहर के स्टेट से हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब ये मालूम चला। और फैमिली जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, दादाजी हैं उनके, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस मौके पर? मैं ये कहता हूं कि बच्चों ने तो मेहनत अपनी की है, लेकिन उनको बनाने में भगवान ने मुझे बहुत ताकत दी, बहुत ताकत दी थी सेंस से, बिकॉज आई वॉज आपको बाग ने वेरी गुड फैमिली, लेकिन सर्कमस्टांसेस इन 47 चेंज इन सच ए वे दैट आई हैड टू स्टार्ट माई ABC इन क्लास 6 फ्रॉम गंभीर हाई स्कूल। फिफ्थ में हमें ABC का नहीं कुछ पता था, तो उसके बाद पढ़ाई में चलते गए, बढ़ते गए, एक मुझे फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी थी, तो मैं मतलब के कॉलेज में पढ़ता भी था और ट्यूशन भी रखी थी, इसलिए ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। तो ये चलता रहा सिस्टम, वो चलता 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 आगे बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता मतलब मुझे जाके गवर्नमेंट ने मतलब बाहर पढ़ने के लिए भेजा। अभी ये भी मेडिकल फील्ड में ही परस्यू कर रहे हैं, आपके फैमिली में मेडिकल फील्ड के बहुत लोग हैं, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली का जो एक सिस्टम है, जो कल्चर है, वो आगे प्रमोट? हाँ चलेगा वही अवश्य चलेगा, क्योंकि इसलिए कि मैं मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने कहा मुझे 6 में ABC मैंने सीखा, लेकिन मैंने इंग्लिश में किताबें ली, वो मतलब रिलीजियस किताबें हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक कापी मैं दे सकूँगा आपको। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने मतलब कि ये जब गवर्नमेंट ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, पटना साइड में रांची में गया, तो वहाँ मुझे अच्छा आगे ये था कि मैं नॉन मेडिकल सब्जेक्ट थे, नॉन मेडिकल में मतलब मैं सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी नहीं होता है जी। तो ये हमें पढ़ना पड़ता था, जब हम गए, गजब की बात ये है कि जब हम गए फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट हो चुका था जी। जब फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट हो गया था तो हम, क्या हुआ भगवान की क्या कैसी कृपा हुई कि मैंने जूलॉजी में मैं बॉटनी में मैं फर्स्ट आया
आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द सेकंड टर्म इन टेस्ट एंड जुआलॉजी में सेकंड आया अमंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स दे वर क्राइंग कि ये टीचर्स आर हेल्पिंग देम हाउ नोबडी विल एग्री टू दिस। तो उसके बाद मतलब 22 जून 1960 को रिजल्ट निकला। वहाँ से पटना से वहाँ से रांची गया। विद इन 6 days माय गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड फॉर पोस्ट एंड आई वाज अपॉइंटेड एज एन अगस्टेड पोस्ट। आफ्टर दैट थिंग्स स्टिल चेंज बेटर। आफ्टर 10 years आई वाज सेंट फॉर एम्बेसी इन बनारस। मतलब ये है कि जो इतिहास है परिवार का वो आगे भी बढ़ता रहेगा। मेरे संग की ग्रैंड मदर है। आप क्या कहना चाहेंगे दो शब्द आपसे ले लेता हूं। जी मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा है शुरू से। ना इसने कोई शरारत की, सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान था। मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। इसकी मदर का है, जान नानी नानू का उनका ही है। तो बाकी मेरे को अंदर से इतनी खुशी है मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इतनी खुशी है, कैसे खुशी है, बस इतने ही कहूँगी मैं। कामयाबी किसी एक की नहीं होती, एक टीम एफर्ट होता है। बेशक आप एक मैच खेल रहे हों, बेशक आप स्टडीज कर रहे हों, टीम एफर्ट होता है बेशक। और आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आप कभी प्रयास करें, आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि अपनी जो एफिशिएंसी है उससे बाहर का कभी मत सोचें। और अगर उसी में रहकर आप प्रयास करते रहेंगे तो सक्सेस और कामयाबी जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आप इसमें से वो कीमती चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में एक्वायर करेंगे, ताकि आप भी जो है वो सक्सेसफुल बने और जम्मू का नाम जो है वो इसी प्रकार रोशन करते रहें। आप देख जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।